अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम फाइलम नाइडेरिया का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमने पहले टॉपिक जो स्टडी करना है दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास ये है कि जो नाइडेरियन हैं दे आर डाइशियस। डाइशियस का मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल नाइडेरियन अलग अलग होता है, और मेल स्पर्म बनाएगा और फीमेल एग बनाएगी, और स्पर्म या एग उनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से निकल के उनकी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी नाइडेरियंस हैं जिसके अंदर एग जो होते हैं वो मदर के अंदर ही रहते हैं, हती कि स्पर्म उस मदर के अंदर आता है और फर्टिलाइजेशन भी उस मदर के अंदर होती है। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, कुछ ऐसे नाइडेरियंस हैं जिनमें मदर की बॉडी के अंदर ही रहता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि एग और स्पर्म जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं और फिर पानी में एग और स्पर्म जो होते हैं एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जी हमारे पास जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर जायगोट बनता है। जायगोट जब डिवाइड करता है तो फिर उससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज है एक ब्लास्टुला। तो जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसके नतीजे में एक ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला जो है वो उसकी पिक्चर देख लेते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर सारा लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, और उन्होंने यहाँ पर ये दिखाया कि ये मेड्यूसा जो बॉडी फॉर्म है ये डाइशियस होती है, और ये जो सेक्चुअल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इधर से लेकर यहाँ तक का जो सारा पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, और बाकी जो येलो इधर से इधर तक का सारा पार्ट है यहाँ पर ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। अब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास है मेड्यूसा। ठीक है, मेड्यूसा जो है ये डाइशियस है, इसका मतलब है इसमें मेल और फीमेल मेड्यूसा अलग हैं, और जो है इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एग और स्पर्म बनते हैं जो कि इनकी माउथ के ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, पानी में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। कुछ केसेस में हमने डिस्कस किया कि जो है एग मदर के अंदर ही रहता है और फर्टिलाइजेशन मदर के अंदर होगी, और जो है डेवलपमेंट भी मदर के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग और स्पर्म जो है ये बाहर बाहरी से बाहर निकल आए हुए हैं, यहाँ पर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट बना है, जाइगोट ने डिवाइड किया है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है यहाँ पर ब्लास्टुला। और ये जो ब्लास्टुला है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अर्ली इन द डेवलपमेंट बन जाता है, यानी कि फ़ौरन से जब डेवलपमेंट शुरू होगी तब ब्लास्टुला बन जाएगा, और फिर बाद में ब्लास्टुला की जो सरफेस के ऊपर सेल्स हैं वो इसके अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ब्लास्टुला है इसकी जो ऊपर सरफेस के ऊपर सेल्स हैं वो सारे अंदर की तरफ चले जाएंगे। जब वो अंदर जाएंगे तो अंदर जाके वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बना देंगे, ठीक है ना, गैस्ट्रोडर्मिस बना देंगे जिससे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनेगी। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास ब्लास्टुला में जो फर्दर चेंज आएगा ये प्लैनुला में चेंज हो जाएगा। प्लैनुला एक लार्वा है, लार्वल स्टेज है, और ये सीलिएटेड होता है, इस पर सीलिया आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे सीलिया नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये फ्री स्विमिंग होता है, ये खुद ही अपने सीलिया के ज़रिए से स्विम कर सकता है, इसको कहते हैं प्लैनुला। तो आपने ये याद रखना है कि नाइडेरियंस में जो लार्वा बनता है उस लार्वे का नाम है प्लैनुला। ठीक है, उसके बाद ये प्लैनुला जो है वो जब स्विम कर करके थक जाता है तो उसके बाद वो किसी जगह पर बैठ जाता है, किसी सर्फेस के ऊपर या सबस्ट्रेट पर बैठ जाता है, और फिर उसके जो अंदर के सेल्स होते हैं वो दरमियान से स्प्लिट कर जाते हैं, अंदर के सेल्स जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं, अंदर एक कैविटी सी बन जाती है। ठीक है ना, अंदर के सेल्स जो है वो सरफेस की तरफ चले जाएंगे और अंदर कैविटी बन जाएगी, और उस कैविटी को कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर, और बाकी का पूरा जो पोलिप है वो तब्दील हो जाएगा इंटू सॉरी बाकी का सारा जो प्लैनुला है वो किस में चेंज हो जाएगा, पूरी पोलिप में चेंज हो जाएगा, और प्लैनुला के सेंटर वाले सेल्स जो है वो स्प्लिट कर जाएंगे, यानी कि मूव कर जाएंगे, दरमियान में कैविटी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये देख लें आप इसमें जो पोलिप होती है नेक्स्ट, ये पोलिप जो होती है इस पर बडिंग होती है, और इससे जो बर्ड्स बनती हैं वो समटाइम जो है बर्ड बनती है तो उससे मेड्यूसा बनता है, समटाइम जब उससे बर्ड निकलती है उससे पोलिप बनती हैं। तो इसकी बडिंग से कुछ पोलिप्स बन जाती हैं और कुछ मेड्यूसा बन जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर मेड्यूसा की बात करें तो मेड्यूसा की अगर फॉर्मेशन देखें तो ये हमेशा बनती है बडिंग से ही बनती है, पोलिप की बडिंग से ही बनती है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास इसके ऊपर जब ये बन रही होती है उसकी पिक्चर देख लेते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखें, ये पिक्चर थोड़ी सी बड़ी नहीं हो रही तो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ कि ये देखें यहाँ पर ये मदर पोलिप है, इस केस के अंदर ये जो पोलिप है इससे जो बड निकली है वो पोलिप बन रही है, जो नई बड बनी है वो किसकी शक्ल अख्तियार करेगी, पोलिप की। ठीक है, ये देखें आगे से फर्दर क्या हुआ है कि ये जो इससे पोलिप बड की फॉर्म में बनी थी वो उतर के यहाँ पर सरफेस के साथ अटैच हो गई है और ये ग्रो करके एक बड़ी पोलिप बन जाएगी। और जबकि दूसरे केस में, इस केस में देखें कि मदर पोलिप से जो बड बनी है वो क्या बनी है, वो बड चेंज हो गई है मेड्यूसा में। इसका मतलब है कि पोलिप से या तो बडिंग के नतीजे में पोलिप बनती है या फिर
मेड्यूसा बनती है। इसके अलावा आपकी बुक में एक और बात डिस्कस की हुई है कि समटाइम्स क्या होती है, जो बर्ड बनती है वो इससे उतर जाती है, और चाहे वो मेड्यूसा की बर्ड हो या पोलिप की बर्ड हो, उतर जाएगी और फिर वो जो छोटी मेड्यूसा या छोटी पोलिप है वो सेटल करके एक नई पूरा एडल्ट बॉडी साइज अटेन कर लेगी। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास जो बर्ड्स होती हैं ना वो पेरेंट पोलिप से डिटैच नहीं होती, उसके साथ जुड़ी ही रहती हैं, और जो बर्ड की ग्रोथ होती है वो उसके साथ जुड़े जुड़े ही होती है, जिसके नतीजे में आपके पास जो पेरेंट पोलिप है उसके साथ बहुत सारी मज़ीद जो है इंडिविजुअल्स बन जाएंगे और फिर ये कॉलोनी की सूरत इख्तियार कर लेगी। तो अभी हम आगे से देखते हैं इसमें किस में इस तरह होता है। तो नेक्स्ट जो हमने क्लास पढ़नी है वो है क्लास हाइड्रोजोआ। अब आपको अगर इनके हिसाब आप क्वेश्चन के वाले से पूछते हैं तो स्टूडेंट्स में आपको पूछ सकते हैं, रिप्रोडक्शन का डिस्कस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कैसी होती है, या आप इसकी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करें। तो हमने इसमें सेक्चुअल भी देख लिया है और हमने ए सेक्चुअल भी देख लिया कि ए सेक्चुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग में आ जाती है, और सेक्चुअल जो है इसके अंदर ये स्पर्म्स और एग की फर्टिलाइजेशन वाला केस इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास हम पढ़ेंगे दैट इज़ क्लास हाइड्रोजोआ, और ये फाइलम नाइडेरिया के अंदर आती है क्लास हाइड्रोजोआ। और हाइड्रोजोन्स जो होते हैं ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं और ये समंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर मेरीन क्योंकि वो समंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नाइडेरियंस हैं इसमें जो शामिल हैं उनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तो क्लास हाइड्रोजोआ के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर इसका एक मेम्बर होगा हाइड्रा, जो कि ये है, ये हाइड्रा है। एक मेम्बर है क्लास हाइड्रोजोआ का ओबिलिया, और ये ओबिलिया की पिक्चर है, ये ओबिलिया का पूरा लाइफ साइकिल दिखाया है, ये उसकी मेड्यूसा है ओबिलिया की, और ये उसकी पोलिप है। ये है हाइड्रोजोआ की एक और मेंबर, उसका नाम है गोनियोनिमस, और ये गोनियोनिमस की ओरिजिनल पिक्चर है और ये उसकी ड्राइंग बनी हुई है यहाँ पे। इसका मतलब है एक और इसका मेंबर है वो भी देख लेते हैं हम, और उसका नाम है फाइसेलिया फाइसेलिस। ठीक है, तो टोटल मैंने आपको चार मेंबर्स बताए हैं और हम चारों को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इस क्लास हाइड्रोजोआ के जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन कम जो मेंबर्स हैं वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ओबिलिया की पिक्चर दिखाई थी तो उसमें आपने देखा था कि उसमें मेड्यूसा भी थी और पॉलिप भी थी। इसको कहते हैं कि ये दोनों अपने अंदर तब्दीली, कभी ये मेड्यूसा बन जाते हैं कभी पॉलिप बन जाते हैं, तो इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर मेड्यूसा स्टेज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनकी पूरी लाइफ में पॉलिप स्टेज जो है वो थोड़े टाइम के लिए होती है। तो अब इसके अंदर इसके जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, अगर आपसे पूछा जाए क्लास हाइड्रोजोआ के क्या करेक्टर्स हैं, तो उसके जो करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर वन, इनके पास नेमेटोसिस्ट होते हैं, और नेमेटोसिस्ट इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, वो आपको गैस्ट्रोडर्मिस में नहीं मिलेंगे। गैमीट्स जो होते हैं वो इनके अंदर एपिडर्मिस में ही बनते हैं, और वो बॉडी के बाहर साइड बाहर निकाल दिए जाते हैं, और वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर नहीं रखे जाते, वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो मीज़ोग्लिया होती है उसके अंदर कभी भी कोई अमीबॉइड मीज़ेनकाइमल सेल्स नहीं होते, यानी कि कोई भी आपको अमीबॉइड सेल्स की मीज़ोग्लिया में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ज़्यादातर जो हाइड्रोजोआन होते हैं उनके पास कॉलोनियल पोलिप्स होती हैं। ठीक है, अब आपने भी जो ओबिलिया देखा था, जैसे इन्होंने ओबिलिया की बात बताई है कि ओबिलिया में हमारे पास जो पोलिप है उसकी कॉलोनी आपको मिलेगी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास कॉलोनियल पोलिप्स जो होती हैं उनके अंदर ढेर सारी जब डिफरेंट पॉलिप्स होती हैं, कुछ पॉलिप्स जो होती हैं वो फीडिंग का काम करती हैं, कुछ जो होती हैं वो मेड्यूसा प्रोड्यूस करती हैं बडिंग के ज़रिए से, और कुछ जो होती हैं वो डिफेंस का काम करती हैं पूरी कॉलोनी के लिए। ठीक है, ऐसा केस जो है हमें ओबिलिया के अंदर मिलता है। ओबिलिया जो है ये समंदर में पाए जाने वाला नाइडेरियन है, और इसके अंदर हमारे पास इसका पूरा लाइफ साइकिल अभी हम देख लेते हैं पिक्चर से, साथ से उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अब आपको ये नज़र आ रही है ओबिलिया की पोलिप, और ओबिलिया की पोलिप जो है इसके अंदर आपको एक ये पोलिप नज़र आ रही है, एक ये पोलिप है और एक ये पोलिप, यानी कि आपको तीन इसमें पोलिप्स नज़र आ रही हैं, ये कॉलोनी की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास इसके अंदर ये बनता कैसे है, पहले इसको आपकी बुक में डिस्कस किया, इन्होंने कहा है कि ये जो प्लेन्यूला लार्वा है जब ये सेटल करेगा, सेसाइल हो जाएगा, मतलब यानी कि स्विम करना छोड़ देगा, उसके बाद किसी चीज़ सरफेस के साथ जुड़ जाएगा, उसके बाद ये प्लेन्यूला ग्रो करेगा और ए सेक्चुअल बडिंग के ज़रिए से ये ग्रो करके किस में तब्दील हो जाएगा, पोलिप में। अब ये जो पोलिप है इसको गैस्ट्रोजॉइड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जो इस तरह की पोलिप होती है ना ये वाली, इसको कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड।
जो गैस्ट्रोजाइड होती है ये फीडिंग पॉलिप होती है। इसका क्या काम होता है, इसके पास टेंटिकल्स हैं जो कि फूड को पकड़ेंगे, ठीक है। अगर हम ये पूरी एडल्ट देखें ना, ओबिलिया की कॉलोनी, इसके अंदर आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, गैस्ट्रोजाइड। गैस्ट्रोजाइड पे टेंटिकल्स हैं जो कि फूड को पकड़ेंगे, जबकि गोनोजॉइड हमारे पास ये एक और पॉलिप है, और इसका काम क्या होता है, ये बडिंग करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो गैस्ट्रोजाइड है वो हमारे पास है फीडिंग पॉलिप, ठीक है, और गैस्ट्रोजाइड के पास टेंटिकल्स होते हैं, और ये फीड किसके ऊपर करता है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है पानी में, यानी कि टेंटिकल्स मूव करेंगे पानी में, उनको जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो इसके टेंटिकल के साथ चिपक जाएगा, और इसके पास एक स्केलेटन भी होता है, ठीक है। जो स्केलेटन जो होता है इसका, इसको हम कहते हैं पेरिसार्क, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये देखें, इसके ऊपर ये जो स्काई ब्लू कलर का ऊपर कवरिंग सी है, ये पूरी ऐसा लग रहा है ना कि इसके ऊपर एक कवरिंग सी है, एक शील्ड सी है इसके अंदर, और बाकी जो पर्पल कलर की है वो इसके अंदर की मतलब कॉलोनी है, पॉलिप्स हैं सारी अंदर। तो बाहर जो कवरिंग है ना वो है पेरिसार्क, जो कि इसका स्केलेटन है, और ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है प्रोटीन का और काइटन का, ठीक है, और इस स्केलेटन का नाम है पेरिसार्क, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ओबिलिया कॉलोनी ग्रो किस तरीके से करती है, ठीक है। इसकी ग्रोथ होती है बडिंग से, जो ओरिजिनल गैस्ट्रोजॉइड होती है इसकी, वो बड उसे बड प्रोड्यूस होती है, और उसकी बडिंग से एक नई पॉलिप बन जाती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो गैस्ट्रोजॉइड है इससे ये बड बनी है, और इसकी जो बड है इससे एक नई पॉलिप ग्रो कर जाएगी। अब ये जो पिक्चर है ये आपको समझाने के लिए किसी और बुक से मैंने लिया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो गैस्ट्रोजाइड पॉलिप है इससे बड बन रही है, और इसकी बड जो है ये ग्रो करेगी, तो इससे पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है ये पूरी कॉलोनी पॉलिप्स की कॉलोनी नज़र आ रही है, ठीक है। अब इस पॉलिप की कॉलोनी में अगर आप देखें तो इसकी बिल्कुल बॉटम से आपको रूट लाइक जो है एक्सटेंशन से निकलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये रूट लाइक प्रोसेसेस हैं, और ये क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के अलोंग भी मूव कर रहे हैं, यानी कि ये सरफेस है, ये जो सबस्ट्रेट है इसके अलोंग, यानी कि इसके ऊपर पर भी मूव कर रहे हैं, और इसके अंदर भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, इसके अंदर भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है रूट लाइक प्रोसेसेस का, कि ये पूरी कॉलोनी को एंकर करते हैं, यानी कि इसको जोड़े रखते हैं, और ये इस तरीके से ये जुड़ी रहती है।